नारेबाजी करते एसएसपी कार्यालय पहुंचे ये सभी लोग अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं, जो कि जैन पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहुंचे हैं। फाउंडेशन के पदाधिकारियों के मुताबिक पुलिस ने कुछ दिन पहले जैन निवासी दिनेश दिवाकर नामक उनके फाउंडेशन के सदस्य को अवैध हिरासत में चौकी पर बिठा लिया, जबकि दिनेश दिवाकर का एक अन्य व्यक्ति से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद पुलिस ने बिना किसी आरोप के उसको 5 दिन तक हिरासत में चौकी पर बिठाए रखा, और जब उसकी पत्नी पति को छुड़ाने गई तो छोड़ने की एवज में उससे लाखों रुपए मांगे। ना देने पर गुरुवार को पुलिस ने दिनेश दिवाकर को फर्जी मामले में चालान कर जेल भेज दिया। इस संबंध में अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश राही ने बताया कि जैन पुलिस इसी प्रकार से झूठे मुकदमे में फंसाने का खेल खेल रही है। आज अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद रतवा के तत्वाधान में छात्रावास से लेकर राजकीय छात्रावास से लेकर जिलाधिकारी ऑफिसर कार्यालय तक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे जी के कार्यालय पर जाकर मथुरा जनपद के थाना जैत और थाना जमुनापार में निर्दोष नाबालिग लोगों को, बेकसूर लोगों को, बेकसूर युवकों को, अनुसूचित जाति के परिवारों को पुलिस के द्वारा मारपीट करने एवं उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने व 5-5 दिन तक अवैध हिरासत में रखने के खिलाफ हमने आज ज्ञापन सौंपा है। और इस ज्ञापन में मैं बताऊंगा आपको, थाना जैत पुलिस ने 19 तारीख की शाम को 7 बजे दिनेश दिवाकर नाम के हमारे एक युवक को उनके घर में जाकर के बिना बताए, बिना सूचित किए, गैर कानूनी तरीके से, जबरन तरीके से उसे वहाँ पर उठा लाए और उनका मोबाइल छीन लाए, उनकी चाची के साथ, उनकी बीवी के साथ, तारा देवी के साथ मारपीट की और उसे 5 दिन तक रखा, और झूठे मुकदमे में आज उनका खेल उनका चालान कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस मुकदमे में उनका चालान किया गया है वो मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। वहीं दूसरी घटना, संगीता नाम की एक महिला है, सैनी जाति की, कोलू नगला की रहने वाली है, थाना जमुनापार में, उनके बच्चे को 8 तारीख को जिन लोगों ने पीटा, दबंग लोगों ने पीटा, उनके कहने पर उन्हीं के बच्चे को जेल भेज दिया गया। आज वो नाबालिग बच्चा 16 वर्ष का जेल में है। पुलिस भूमाफियाओं के साथ, असामाजिक तत्वों के साथ सांठगांठ करके बेकसूर लोगों को सताने का काम कर रही है। पुलिस का मथुरा में उत्पीड़न किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। हम इस घटना के खिलाफ अदालत में जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।